फॉर द शॉपिंग। बोलने तो उसको, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। कोई नहीं, आज मैं पूरे पक्के इरादे से आई हूँ कि आज जो है इनका क्रेडिट कार्ड होने वाला है खाली। आपका पैसा मेरा पैसा, बट माई मनी इज माई मनी, योर मनी इज ऑल्सो माई मनी। सो दिस इज द यू नो थिंग आई एम फॉलोइंग आफ्टर माई निकाह। तो माई हस्बैंड मनी इज माई मनी एंड माई मनी इज ओनली माई मनी। मैं तो क्रेडिट कार्ड लाया ही नहीं हूँ, आपके कुछ पैसे मेरे पास भी हैं। सो गाइस फाइनली वी आर एट लकी वन। तो भाई सबसे पहले जाके हमने पार्किंग करनी है। हाँ आ जाओ, घुस जा भाई। इसने व्लॉग शुरू कर दिया, मेरा तो कोई मूड था नहीं, लेकिन ये बोलिए कि भाई आप लोग के लिए व्लॉग बनाओ। मैंने तो बोला था नहीं 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 भाई, ये मेरे व्लॉग में कम नजर आएगी। तो सबसे पहले चल के पार्किंग करते हैं। ये जो यहाँ की अंडरग्राउंड पार्किंग है ना भाई, हाय 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 हाय। यहाँ पे मैंने ना पिक्चर्स खींची थी, जरा इंस्टाग्राम पे वो जाके देख लेना। मिल गई भाई पार्किंग भी मिल गई। खुला हुआ ना तो आपका बहुत सारा आ रहा है, और आप थोड़ा सा इधर देखो ना, इधर सही आ रहा है। अब इसको ले आओ आप यहाँ पे। ओके तो ये आपका से भी इतना आएगा और आपके पीछे का भी आएगा। बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है और इसमें ना पिक्सल्स भी फटते हैं। यहाँ पे ये करीब में ना काम भी आ जाता है। सो भाई फाइनली गाड़ी हो गई हमारी पार्क। इसका करते हैं हम स्विच बंद। इसी भी बंद हो गया, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? जिस स्पीड से गए उसी स्पीड से वापस आइए। व्हाट हैपेंड? ये आप इस हालत में तो नहीं जा रहे हैं बिल्कुल सैंडो पहन के। क्या मतलब सैंडो पहन के नहीं जा रहे? नहीं बिल्कुल, ये स्लीवलेस पहन के आप बिल्कुल नहीं जा रहे हैं अपनी शर्ट पहन। मैं खरीद के लाया हूँ आज। अच्छा तो खरीद के लाए हैं? मेरा निकाह हो गया है तुमसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से कि निकाह हो गया, जो भी रिस्ट्रिक्शन आ रही पहनिए। ये कोई हरकत नहीं है मॉल में, पता नहीं कौन कौन होता है ये पहनिए। ये क्या है? सॉरी गर्ल्स। क्या करे भाई, बेगम ने बोला है तो पहननी पड़ेगी। ये क्या है? अब जब बहुत शौक आ रहा है ना तो पहनाओ। ये मैं क्यों पहनाऊं? पहनाओ। मैं आपकी मम्मी थोड़ी हूँ। आप पहनाइए। आइए न्यूबॉर्न। अल्लाह ये लीजिए न्यूबॉर्न। ओके आ गया, ये लीजिए। ठीक है भाई, तो बेगम के कहने पे पहननी पड़ गई शर्ट। ओके इंसान बन जाओ तुम इंसान। यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई वाइफ, बट वी विल लिव लाइक फ्रेंड्स। ओके चलो आ जाओ, उतरो। मास्क का है? हाँ मास्क का है। शॉल का है? अबे भाई बारिश की वजह से गाड़ी भी गंदी हो रही है पूरी। चलें बेगम, सही लग रहा हूँ। OTD फैजा पता नहीं क्या बोलती है, OTD इनका OTD देख लीजिए। चलिए आइए इधर से आइए। शाबाश। एक सेकंड, चाबी रखूँ मैं अपनी जेब में? कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है? हाथ दीजिए। चलिए अब आप मेरा आइए, मैं इधर आइए, आप इधर से चलिए। ये देखो ये मुझे लेके जा रही है। एक सेकंड, तेरी ऐसी की तैसी, आप मेरे पीछे चलिए। यकीन नहीं हो रहा ना मुझे, बोल रहा था यहाँ पे स्टाफ की जगह है, पता नहीं क्या है तुम्हें मसला। चलो चलो वहाँ से चलो 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 आ जाओ। बेगम है ना थोड़ी सी चुलबुली है, तो इनको ना लेके चलना पड़ता है बेचारी को। गोल्स माशाल्लाह। सही है भाई, सही है, आगे छोड़ के चली गई ना। ठीक है अब मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। नहीं 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 छोड़ दो। तो भाई हमने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे नाश्ता। भाई सुकून नहीं है, तुम वहाँ कहाँ बैठ रही हो? इधर आओ, आइए आइए आइए। मैं सोच रहा हूँ कि कुर्सी खींच लो। नहीं नहीं बैठिए बैठिए आइए। लेकिन आपका भाई बेचारा गरीब यहीं बैठ जाएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे सामने जो व्यू है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा व्यू है। ये आज मुझे बोलिए कि मैं मर ना जाऊँ कहीं। ऐसा क्यों है भाई? मतलब शर्म आ रही है, शम्मो आ रही है, शम्मो को तो बहुत ज्यादा ही शर्म आ रही है, लेकिन खैर है चलो। आफ्टर ऑल आई एम अ मैन। तो जल्दी से ऑर्डर करो, फिर हमें और भी काम है। क्या खाने जल्दी बताओ? नुटेला पैनकेक्स एंड टी। नुटेला पैनकेक्स एंड टी। वेटर, फाइनली ऑर्डर हो गया, डन एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर फूड। उन्होंने हमारी भूख को दोबाला करने के लिए ये रख दिया है। 5 minutes later. तो भाई हमारा नाश्ता आ चुका है, न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट, ये आपके भाई की कॉफी और ये नुटेला पैनकेक। जल्दी फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। आर यू हैप्पी और नॉट? She said food makes me happy. Okay. थोड़ा सा दुख हुआ, फूड का जिक्र हुआ, मेरा नहीं। आप मुझे खाना खरीद के देते ना तो आप भी मुझे खुश हो। बाद में तो सब यही बोलते हैं, चलो नाश्ता करते हैं पहले। तो फाइनली खाना हमने खा लिया, ठीक है अब जो बारी है वो है शॉपिंग की। ये मेरे पीछे लगी हुई है और मैं इसको मना नहीं कर सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 3 stores हैं, अब 3 सेलेक्ट कर लो। कौन कौन से 3 store नहीं, मुझे जहाँ से जो पसंद आएगा मैं वहाँ से लूँगी। यार मतलब शादी करके वो सही बोलते, बंदा फंस गया, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं सुकून में हूँ। अच्छा, ये तो लोगों के सामने ऐसी कर रहा हूँ और बहुत लोगों के बड़े मसले चल रहे होते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अरे मानो, मान जाओ मेरी गुड़िया, चलो मेरे बेटे आ जाओ चलो चलो। ये चलिए इतना सुकून मिल रहा है ना भाई, इसका हाथ पकड़ के, मतलब मैं खुले में इसका हाथ पकड़ के घूम सकता हूँ। पागल होने को नहीं बोला, इंसान बन जाओ वापस। शोर बोल रहे ना, इंसान बन जाइए। सबसे पहले हम जाएंगे इधर, तो इनको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ ढंग का था ही नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया। वरना मैंने भी सोचा था कि लगे हाथों मैं भी कुछ बाय कर लूंगा, लेकिन नहीं भाई मुझे भी समझ नहीं आया। आ जाओ किसी दूसरे आउटलेट चलें।
देखा यहाँ भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे छोड़ के गई थी ना, और जाओ अल्लाह करे इसको कुछ मिले ही ना भाई आज। क्या बोल रहा है भाई तू? That was great. Joke of the year. ये है हमारी हफ्सा खान और ये है 30% off. Very bad, very bad. Very bad की बात नहीं है, नोट यहीं से खर्च होने तो अच्छी बात. Very good, very good. कलेक्शन तो सारे ब्रांड्स की बेकार है, या तो ये लोग कपड़े बनाना भूल गए या तो हमारा क्लोथिंग स्टाइल चेंज हो गया. ये दोनों चीजें आपस में बहुत लड़ रही. क्लोथिंग स्टाइल चेंज हुआ या तो ब्रांड अच्छे कपड़े नहीं बना रहा. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये दो कंपटीशन चल रहे हैं. मुझे यहाँ का बैग दिला रहे हैं. यहाँ का बैग? यहाँ का बैग कितने का है? 1.5 लाख 30,500 रुपए का जी. दिलाऊंगा एक दिन, जरूर दिलाऊंगा. आ जाओ जब हम अमीर हो जाएंगे तो मैं जरूर दिलाऊंगा. इतना अच्छा, इतना महंगा 50,000 रुपए का बैग दिलाया था तुम्हें ये वाला. हाँ नहीं तो 30,000 के बैग पर हो रही हो. छोड़ दो यार. भाई बहुत तंग कर दिया इसने यहाँ पे मेरे पैसों से. मुझे शॉपिंग करा मुझे इसने इतनी सारी टी शर्ट ट्राई करा दिया ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं है, बोलिए ये कलर अच्छा लग रहा है, उल्टे सीधे कलर पहना रही है. ये देखो ये वाले कलर जैसे, ये देखो. माना हर कलर मेरे पे सूट करता है लेकिन यार मैं हर कलर थोड़ी पहनूंगा. ये दो टी शर्ट और एक कैप बाय कर लिया. शॉपिंग में इनको कराने आया था लेकिन ये मेरे पैसों से मुझे शॉपिंग करा रही है. मुझे तो अपने ऊपर मैं खर्चा नहीं करता, बहुत रेयर केसेस में अपने आप पे खर्चा कर देता हूँ, वरना मुझसे नहीं हो पाता. वैसे कंजूस नहीं हूँ, छुपके छुपके करता भी. अब एक और ब्रांड पे आ गया भाई. आपके भाई को तो बैठने की जगह मिल गई. अरे बहुत ज्यादा जोर से बैठ गई मैडम, वहाँ पे आराम से घूम रही है. मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ कि क्या क्या खर्चा कर रही है. और यार मैं आपको एक बात बताऊँ, ये खर्चा जो हो रहा है कि भाई ये खर्चा वो खर्चा, तो हम सिर्फ एक मजाक मस्ती कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है यार. जो पसंद आएगा हम वो खरीद लेंगे, सिंपल. और ये जो हमारी अप्पा है ना, मैं बोलता हूँ भाई इसके लिए सब कुर्बान. पैसा तो फिर बहुत छोटी चीज है. अब ये वाला पार्ट जब ये व्लॉग में देखी ना तब अच्छा फील करेगी. मैं इसके मुंह पे नहीं बोलता क्योंकि ये फ्री हो जाती है. सुन रही हो यहीं पे खड़े खड़े हैं? चलो समझ आया कुछ? चलो भाई एथनिक पैथनिक जो भी है चलो. मैं बोल रहा हूँ ये डिजाइनर जो है ना कपड़े बनाना भूल गए हैं, अब अच्छे कपड़े नहीं बना रहे. जनरेशन के हिसाब से डिजाइन होने चाहिए. अब जनरेशन आगे जा रही है और कपड़े पुराने रह रहे हैं, तो भाई मजे की बात नहीं है ना. एम आई राइट और रॉन्ग? जगह का उसको बैग चाहिए. चलो एक बंदी के पास अगर ना हो तो बंदा दो मिनट पे दिला दे. लेकिन इसका जो सीन है ना भाई, सब है लेकिन क्या है, ये भी चाहिए. चलो भाई अब हम ऊपर जा रहे हैं. मुझे पता है इसको कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ ऐसी मजाक करना और मेरी क्वारी कराना है. ये देख के आना भाई, आराम से आए. ये रहा इनका एथनिक पैथनिक. इसको चलो भागो. अरे भागो ना, ये कैसे चल रही हो, पागल हो गई हो क्या? चलो पागल लड़की. भाई इनको इनके फेवरेट ब्रांड पे भी कुछ समझ नहीं आया, अब ये दूसरे ब्रांड पे आ गई हैं. एक शलवार कमीज अल्लाह का शुक्र है समझ आया. बाकी ये देख रही है भाई. तो भाई एक सूट पसंद आ गया, मुबारक हो भाई, मुबारक हो. मिठाई मंगवा ली है मैंने. वैसे पूरे व्लॉग में बस ये हंसती रहती है, बोलती कुछ भी नहीं है, फिर आप लोग मुझे बोलते हो कि व्लॉग बनाओ. मैंने एक ही सूट खरीदा है बस, और मैं बहुत खुश हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह भाई एक सूट खरीद लिया. इनका सूट नहीं हो गया, हमारा जानवर हो गया. एक जानवर ले लिया भाई, सौदा बन गया. और आपके भाई को अब बैग उठाने हैं जिंदगी भर, और ये ऐसी घूमेंगी मजे से. मतलब भाई ये फिर घुस गई. आज 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 लेट्स गो. आज 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 मुझे पता है ना ये ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा अच्छी करती है. सेटिस्फाई भी नहीं होगी और पैसे भी जाया होंगे. तुम पे अच्छे लगते हैं डिसेंट कपड़े, आ रही है समझ? डिसेंट कलर्स. हाँ ऑनलाइन करो. ये अभी जो करेगी ना शॉपिंग, उससे सिर्फ ये पैसे जाया करेगी और घर जाके बोलेगी ये मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये चेंज कराना है, वो कराना है, ये कराना है. तुमने शॉपिंग नहीं करी ना, अब मैं तुम्हें वंडरलैंड लेके चलता हूँ. आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ. पता नहीं कौन फकीर मेरे पीछे लग गए यार, बहुत ज्यादा रश हो रहा है. शॉपिंग के बीच में हमने लिया ब्रेक. इन मैडम का दिल चाह रहा था मैकडोनल्ड्स खाने का, तो ये मैकडोनल्ड्स फौरन से मंगवा लिया. आवाज नहीं आ रही. कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ व्लॉग में आओगे? क्यों नहीं आओगे तुम? तुम नहीं आओगे तो मेरा व्लॉग नहीं चलेगा ना यार. लाइक करते हो? कमेंट करते हो? बस सब्सक्राइब किया हुआ है ना, बस बेल आइकन दबाया हुआ है. आप लोग को बताया था ना बेल आइकन बड़ी प्यारी चीज है, उसको यूज जरूर करना. खाना वाना खाते फिर उसके बाद मुलाकात करते. इतने अच्छे व्लॉग बनाता था मैं, आज मेरा व्लॉग खराब हो गया मुझे पता है. भाई सब खाने पीने के बाद मैंने बोला भाई चल लो घर, मैं थक गया हूँ बस. अब तो एक और स्टोर था जहाँ से कोई फजूल की चीज़ें मिल रही हैं, ये वहीं रुक गई और मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरी एडी में भी दर्द हो रहा है. खैर है चलो, बस आप लोग दुआ दीजिएगा कि इंशाल्लाह हम दोनों की ज़िंदगी आगे वाली भी अच्छी सी गुजरे. माशाल्लाह बोलना, नज़र से बचाए अल्लाह. बस मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन यार थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ क्योंकि मैं अभी 20 साल का हूँ. लेकिन खैर है चलो, जिम्मेदारियों की जहाँ तक बात है वो इंशाल्लाह आई विल मैनेज. लेकिन भाई थोड़ा सा डर है दिल में, मतलब एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, और जो होना भी चाहिए जो वक्त के साथ साथ निकल जाएगा. आप लोग की दुआ चाहिए हमेशा की तरह, ये सपोर्ट चाहिए. और जब तक आप लोग भाई के साथ हो ना भाई बिल्कुल ओके है, क्योंकि भाई आपसे सारी चीज़ें शेयर जो कर ले रहा है. खैर है थैंक यू सो मच. बस अभी जल्दी से फ्री हो फिर हम यहाँ से निकलें यार, बहुत टाइम हो गया. ये पता नहीं क्या है, सुई धागे बटन
पता नहीं क्या क्या यहाँ पे देख रही है, कंगे देख रही है बेचारी के घर में, कंगा नहीं है जैसे, सॉरी ब्रश चिड़ रही है, बोलिए कंगा नहीं बोलो ब्रश बोलो, मैं तो बोलूंगा भाई कंगा। चलो भाई शुक्र निकले दो भाई, अब सीधा चलो हफ्सा गाड़ी में और निकले यहाँ से आराम से आराम से। फाइनली आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ शी इज डन। आई एम नॉट डन यार, प्लीज अब घर चलो यार प्लीज। आई एम स्टिल नॉट डन। आफ्टर शॉपिंग सबसे खूबसूरत जगह एग्जिट। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा मिशन है वो है गाड़ी ढूंढना, पता नहीं गाड़ी कहाँ है भाई, बटन दबा के देखते हैं। आई आई आवाज आई, ये गई गाड़ी, चलो 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 सामान रखो सारा, चलो भाई सामान भी रख दी, शुक्र खत्म। पैसे कैसे पड़े मैं भाई, देख चलो जरा। फाइनली अब हम निकलेंगे घर की तरफ, तो भाई आप लोगों ने करने से इतना ही कि लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग के साथ, नई शॉपिंग के साथ।